कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां की महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे प्रदेश में हर मिनट 4 बाल विवाह, मतलब प्रतिदिन 5760, और अगर एक साल की बात करें तो लगभग 23 लाख बालक और बालिकाएं बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार हो जाते हैं। ये भयावह आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी बाल विवाह कितनी बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ का हर चौथा नागरिक 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग का है, जिसमें बालिकाओं की एक बड़ी संख्या है। बाल विवाह के कुचक्र से बचाकर इन बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से एक समृद्ध जीवन प्रदान करना प्रदेश सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मीना मंच कार्यक्रम इसी दिशा में उठाया गया एक अभिनव कदम है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर परिषदीय विद्यालय में संचालित मीना मंच के बच्चे अभिभावकों शिक्षकों और क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर इस कुप्रथा को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। ये कोशिशें रंग भी ला रही हैं। हमारा नाम नीलम है, मैं जब 6 में पढ़ती थी तो हमारे साथ इतना ही हुई थी, अब 7 में आ गई हूँ। सर लोग ने जब पढ़ने के साथ में नहीं आती थी, सर लोग ने पूछा कि क्यों नहीं पढ़ने आती नीलम, तो हमने कहा कि हमारे साथ इतना ही हुई विद्यालय में। सर लोग ने समझाया कि 18 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए, गुनगुना है 18 साल के बाद शादी करना, और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी कि 18 साल के बाद शादी करेंगे। और हमारा मन था कि हम पढ़े लिखे और आगे टीचर बने। जो मेरे पापा ने शादी तय करी थी, मगर मुझे भी शादी नहीं करनी थी, मुझे आगे पढ़ाई करनी थी। तो फिर मैंने मम्मी से बात की कि मम्मी मुझे आगे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मम्मी ने कहा कि बेटा मेरी बात तो सुनते नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मीना से बोला मैम से बोला, तो मैं हमारे घर पर आई, बात बात करी पापा से, अभी शादी उसकी मत कराओ, अभी शादी करने के लायक नहीं है ये सब। उसी की वजह से मेरी शादी रुक गई, फिर मैं आगे की पढ़ाई करने अपनी मौसी के घर निकल चली गई। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो समाज से निकलकर आई हैं और हमें प्रेरित कर रही हैं कि हम इस अभियान से जुड़कर बाल विवाह जैसी कुप्रथा की समाप्ति के लिए आवाज उठाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ मीना मंच के बच्चों और शिक्षकों तक सीमित नहीं है। अगर आपके आसपास भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा घट रही हो तो आगे आकर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उसे रोकने में हमारी मदद करें। आप प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन नंबर 112 या 1090 पर सूचित कर सकते हैं, स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं व मीना मंच के बच्चों और शिक्षकों को इसके बारे में बता सकते हैं। आपके इस कदम से किसी बालिका का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। उन्होंने बोला आपकी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ने भेजते हो, इनका तो आगे चल के क्या हुआ, आजकल तो सारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं पढ़ेंगे तो इन्हें कुछ क्या आएगा, आप भी अनपढ़ो, हमारे मम्मी पापा भी पढ़ेंगे नहीं है कि आप तो इन्हें पढ़ा लो। इस वजह से तो फिर हम मम्मी पापा को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। तो हमारी टीचर गई थी और फिर पावर रेंजर थे मीना मंच के कुछ बच्चे भी गए थे, उन्होंने मेरे पापा मम्मी को समझाया, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे। एक अभिभावक के रूप में हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बालिकाओं को शिक्षित करें, उन्हें स्कूल अवश्य भेजें और ये सुनिश्चित करें कि बालिका पूरी शिक्षा प्राप्त करे, मतलब बीच में उसकी शिक्षा रुके नहीं। आज लड़कियों के लिए करियर के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, जहाँ वो लड़कों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका या अधिकारी कुछ भी बनकर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। इसी बात को अभिभावकों तक पहुंचाने और समुदाय की विद्यालय में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को बैठक की जाती है। बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा करने हेतु प्रत्येक त्रैमास के द्वितीय सोमवार को अभिभावक बैठक का भी आयोजन किया जाता है।
सरकार ये बात जानती है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सके।